वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवी ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवी ज्योतिष चैनल में 400 वीडियो है, 19,500 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 41 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरी 8 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। दिल्ली में लगभग 20 साल से नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूरोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष, हैंडराइटिंग एनालिसिस टीचिंग कर रहा हूँ। यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में बैठकर डिस्टेंस लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो फीस बैंक में डिपॉजिट करके मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट करें। बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर आपके अवेलेबल है। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको D12 यानी कि द्वादशांश कुंडली के बारे में विस्तार से बताऊँगा। द्वादशांश कुंडली यानी कि D12 से माता पिता के बारे में जानकारी मिलती है। द्वादशांश कुंडली को बनाने के लिए 30 डिग्री के 12 बराबर हिस्से कर दिए जाते हैं। एक हिस्सा 2 डिग्री 30 मिनट का होता है। जैसे 0 डिग्री से 2 डिग्री 30 मिनट तक पहला द्वादशांश होगा, 2 डिग्री 30 मिनट से 5 डिग्री तक का दूसरा द्वादशांश होगा। इसी प्रकार 2 डिग्री 30 मिनट ऐड करते जाइए तथा लास्ट 27 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक 12वां द्वादशांश होता है, यानी कि उसके 12 हिस्से हो गए। द्वादशांश कुंडली बनाने के लिए जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में स्थित होता है, गिनती वहीं से आरंभ करते हैं। उदाहरण के लिए कुंडली में मंगल जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में 21 डिग्री 53 मिनट पर स्थित है, तो इसका अर्थ हो गया कि मंगल नवम द्वादशांश में स्थित है। अब वृश्चिक राशि से नवम राशि में मंगल की स्थापना की जाएगी। वृश्चिक राशि से नवम राशि में कर्क राशि अर्थात D12 द्वादशांश कुंडली में मंगल कर्क राशि में चला जाएगा। द्वादशांश कुंडली के लग्न को भी इसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा। जन्म कुंडली का लग्न देखें, उसकी डिग्री देखें किस द्वादशांश में आ रहा है, फिर जन्म कुंडली के लगन से उतने ही भाव आगे गिनना शुरू कर दीजिए और वहाँ उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। मान लो जन्म कुंडली का लगन वृश्चिक लगन में 60 डिग्री पर है। 60 डिग्री का अर्थ है ये तीसरे द्वादशांश में है। अब वृश्चिक राशि से तीसरे राशि को देखें, तीसरी राशि मकर राशि है। इस प्रकार D12 द्वादशांश कुंडली के लगन में मकर राशि हो जाएगी और अन्य सभी ग्रहों की गणना भी
इसी प्रकार की जाएगी। द्वाशंश कुंडली D12 माता पिता के लिए होती है। कुंडली के फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड तथा माता का कारक ग्रह चंद्रमा से हम माता के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली के नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड तथा पिता के कारक ग्रह सूर्य से हम पिता के बारे में जान सकते हैं। माता पिता की फाइनेंशियल पोजीशन एंड सोशल स्टेटस तथा माता पिता से मिलने वाले सुख का विचार भी D12 से किया जाता है। D12 कुंडली से जातक के माता पिता के संबंधों का भी विचार किया जाता है। जातक के माता पिता की आयु और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन तथा समाज में उनका सोशल स्टेटस उनकी समाज में पोजीशन का विचार भी D12 से ही किया जाता है। नवांश कुंडली D9 के सारे नियम D12 द्वाशंश कुंडली में भी लगेंगे। षडवर्ग से जातक के स्वभाव रुचि दोष क्षमता का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। अब आपको D12 द्वाशंश कुंडली का एनालिसिस करने के नियम बताते हैं। पिता का कारक ग्रह सूर्य है और नाइन्थ हाउस से पिता का विचार किया जाता है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो पिता को कष्ट होता है। द्वाशंश कुंडली का यानी कि D12 का नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड और सूर्य की स्थिति से पिता से संबंधों का विचार किया जाता है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है तथा फोर्थ हाउस से माता का विचार किया जाता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो माता को कष्ट होता है। द्वाशंश कुंडली D12 का फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड व चंद्रमा की पोजीशन देखिए। माता से संबंधों का इसी से विचार किया जाता है। D12 में फोर्थ हाउस से सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस यानी कि D12 कुंडली का फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस माता के मारक भाव होते हैं। द्वाशंश कुंडली D12 में नाइन्थ हाउस से सेकंड हाउस व सेवंथ हाउस यानी कि द्वाशंश कुंडली का टेंथ हाउस व थर्ड हाउस पिता का मारक होता है। द्वाशंश कुंडली का लगन माता पिता को दर्शाता है तथा D12 का फिफ्थ हाउस उसकी संतान यानी कि आपको दर्शाता है। माता पिता से संबंधों के लिए D12 द्वाशंश के लग्नेश व पंचमेश की स्थिति का विचार किया जाता है। यदि D12 द्वाशंश कुंडली में धन योग होता है तो ये माता पिता का धन है यानी कि माता पिता धनवान होते हैं। D12 द्वाशंश कुंडली में यदि राजयोग है तो माता पिता समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज में इनका बहुत मान सम्मान है। फर्स्ट हाउस इन D12 यानी कि द्वाशंश कुंडली में D12 में फर्स्ट हाउस जो होता है D12 का लगन माता पिता को दर्शाता है तथा परिवार की सामान्य स्थिति को बताता है। सेकंड हाउस से परिवार के संस्कार तथा माता पिता का धन देखा जाता है। D12 के थर्ड हाउस से माता पिता का साहस पराक्रम देखा जाता है लेकिन ये माता का पिता का मारक भाव भी होता है। फोर्थ हाउस माता का भाव है तथा पारिवारिक खुशियों का भाव है। फोर्थ हाउस नवम भाव से अष्टम भाव है, ये पिता की आयु भी दर्शाता है। फिफ्थ हाउस माता पिता के पूर्व कर्म और बच्चों का भाव होता है यानी कि जातक का अपना भाव होता है। सिक्स्थ हाउस माता पिता के लोन्स हेल्थ को दर्शाता है, माता पिता की बीमारियां और उनसे लड़ने की क्षमता को बताता है। जातक को माता पिता से मिलने वाली जेनेटिक बीमारियां भी दिखाता है। सेवन्थ हाउस माता पिता की मैरिड लाइफ को दर्शाता है। एट्थ हाउस से माता पिता से मिलने वाली पैतृक धन संपत्ति दिखाता है। एट्थ हाउस से पिता से मिलने वाली आर्थिक सहायता और वसीयत को भी दर्शाता है। नाइन्थ हाउस पिता का भाव धर्म का भाव धार्मिक आचरण का भाव है, यह पिता की धार्मिक आस्था को दर्शाता है।
टेंथ हाउस माता पिता का कर्म भाव है तथा माता पिता का दोनों का मारक भाव भी होता है। यदि टेंथ हाउस पीड़ित हो तो माता और पिता दोनों को कष्ट होता है। इलेवंथ हाउस माता पिता से लाभ दिखाता है या जातक के द्वारा अपने माता पिता से ली गई फाइनेंशियल हेल्प भी दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस आपके गोत्र व वंश को दर्शाता है। यह भाव दादी का भाव भी है क्योंकि यह नाइन्थ हाउस से फोर्थ भाव है। ट्वेल्थ हाउस फोर्थ हाउस से नाइन्थ भाव भी है यानी कि यह नाना का भी भाव है। यह आपके गोत्र और वंश को बताता है। द्वाशाश कुंडली यानी कि डी ट्वेल्व की कुंडली का संबंध माता पिता से मिलने वाले सुख को दर्शाता है। सूर्य पिता का कारक है, जैसा कि पहले भी बताया चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। डी ट्वेल्व में यदि सूर्य चंद्र बलि हो तो जातक को माता पिता का प्यार मिलता है, माता पिता से सुख प्राप्त होता है। डी ट्वेल्व का लग्न व लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से स्थित हो तो जातक धनी परिवार में जन्म लेता है तथा भाग्यशाली होता है। लग्न लग्नेश यदि पाप प्रभाव में हो तथा अशुभ पोजीशन में हो तो जातक का बचपन दुखप्रद होता है, अभावग्रस्त होता है। फोर्थ हाउस तथा नाइन्थ हाउस जातक के मन में अपने माता पिता के प्रति कैसे विचार हैं उसे दर्शाता है क्योंकि फोर्थ हाउस माता का भाव है, नाइन्थ हाउस पिता का भाव है। डी ट्वेल्व द्वाशंश कुंडली में एट्थ हाउस पैतृक संपत्ति को दर्शाता है। यदि एट्थ हाउस में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। डी ट्वेल्व द्वाशांश कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो माता को पीड़ा होती है, यदि सूर्य पीड़ित हो तो पिता को पीड़ा होती है। नमस्कार।